सदियों के बाद अभी मेरी मुलाकात अपनी पत्नी से इसी स्टेज पे हुई, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं खास कर आया हूं यहां पे, एक तो हमारा अखिलेश यादव से, उनके पूरे परिवार से बहुत गहरा और बहुत ही पारिवारिक संबंध है। दूसरा, मैं अखिलेश यादव का बहुत ही मुरीद हूं, बहुत ही कदरदान हूं, बहुत बड़ा समर्थक हूं और बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तीसरा, यहां पे बहन मायावती जी, आदरणीय मायावती जी, जिनका स्नेह हमारे परिवार को और मुझे बहुत सालों से मिलता रहा है, उनकी भी यही इच्छा रही कि अगर इस वक्त मैं उनके साथ नहीं कुछ कारणों से आ पाया हूं, तो कम से कम मैं अपने परिवार के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े हाई कमांड, कम से कम अपनी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा को उनके हवाले करूं उनकी ट्रेनिंग के लिए और पारिवारिक संबंध को और मजबूत करने के लिए। इसलिए मैं युवा शक्ति को कहना चाहूंगा, मैं यहां पे किसी पार्टी के झंडे तले नहीं आया हूं, मैं यहां पे एक सोशल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से आया हूं। जैसा हमारे उद्बोधन में हमारे संचालक ने कहा, हिंदुस्तान का नेता, सही मानों में मैं हिंदुस्तान का नेता नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बेटा हूं, और आप युवा शक्ति से प्रेरणा लेकर, इन लोगों से प्रेरणा लेकर और अखिलेश यादव की बहुत सारी बातें सुनकर हमने ये फैसला किया कि अगर इस वक्त मैं आपके साथ नहीं हूं तो मेरा परिवार और मेरा हाई कमांड आपके साथ रहेगा, देश की सेवा के लिए, परिवर्तन की इस घड़ी में जो हमारा लक्ष्य है, नया नेतृत्व, सही दिशा, नई दिशा, और ऐसे लोग सामने आए जैसे अखिलेश हैं, मायावती जी हैं और लोग हैं जो कि परखच्चे उड़ा दें उन लोगों का जिन्होंने वायदा किया और एक भी वायदा पूरा नहीं किया। वो लोग जो खोखले वायदे कर रहे हैं, चाहे वो 15 लाख की बात तो जाने दो, तो जुमलेबाजी कहते हैं वो, ये जुमलेबाजी के दाता, ये क्या किया इन्होंने? अभी अभी मैं युवा शक्ति को बताऊंगा, वो 2 करोड़ रोजगार की बातें तो आप सब जानते हैं जो वायदा किया, लेकिन 2 करोड़ रोजगार के वायदे के अलावा अभी अभी चंद रोज पहले अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और अजीम प्रेम जी, मैं खासकर यंगर जनरेशन को, युवा शक्ति को बता रहा हूं, वो अजीम प्रेम जी का अपना स्टडी ग्रुप उनके इंस्टीट्यूट का कहता है कि 2 सालों के अंदर में 50 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। 50 लाख का मतलब अगर यूं समझाऊं तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, 50 लाख युवा अगर बेरोजगार हुए हैं तो इसका माने पूरे लखनऊ की आबादी और पूरे पटना की आबादी करीब करीब मिलाकर जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं सही मायने में, और वो वायदे पे वायदे कर रहे हैं, शूट और स्कूट पॉलिसी कर रहे हैं, कहते कुछ और करते कुछ और, यहां कहते हैं वहां भाग जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक भी लोकतंत्र में, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, करते हैं तो मिली भगत की करते हैं। आज धन शक्ति का प्रवाह देख रहा हूं जन शक्ति पे, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धन शक्ति का बहुत जोर आजकल मैं मीडिया शक्ति पे भी देख रहा हूं, उससे बहुत दर्द होता है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मीडिया, और मीडिया को भी इस कदर उन्होंने प्रताड़ना दी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर दिया है कि कई बार आपके सामने असली बातें जाती नहीं है, और जाती हैं इतनी ज्यादा
कि आप तंग आ जाते हैं क्योंकि प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाता है, हमारे कुछ लोग बन जाते हैं। अभी अभी आपने देखा वाराणसी में नामांकन हुआ, उसके पहले रोड शो हुआ, वहां धन शक्ति का तो बहुत दुरुपयोग हुआ ही हुआ, लेकिन वहां पे आपने देखा चारों तरफ चारों दिन जिस तरह से मीडिया अपना प्रचार और प्रसार में लगी हुई थी, ऐसा लगा जैसे भारत को दूसरी आजादी मिल गई हो। ये आखिर कब तक? इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप लोग साथ आए हैं, आपका युवा नेता अखिलेश यादव साथ आए हैं, हमारी इतनी मैच्योर्ड और गुणी विद्वान बहन मायावती जी साथ आई हैं, हमारा डैशिंग दोस्त अजीत सिंह सामने आए हैं, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जनार्दन जिस तरह से गठबंधन के साथ आई है, महागठबंधन के साथ आई है, तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। ये वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का जाना नितांत आवश्यक है और होगा। आज मैं सुन रहा था पत्नी के भाषण को सुन रहा था, पहली बार सुना हमने, वैसे घर पे तो अक्सर सुनता हूं, जो बोलती हैं घर पे से उनकी सुनता हूं, मेरी तो कोई सुनता नहीं, लेकिन आज सुना और अच्छा लगा, जो आत्मविश्वास देखकर, उनका जोश देखकर और सबसे ज्यादा युवा शक्ति का समर्थन देखकर मैं गदगद हो गया और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने सही जगह राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए एकदम सही जगह अपनी पत्नी को यहाँ भेजा है, आपके हवाले, आपके लिए और आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, अखिलेश के हाथों को मजबूत करने के लिए, अखिलेश मायावती जी के गठबंधन को बहुत मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ देश में परिवर्तन की घड़ी में वो नई सरकार, नई सत्ता और नया लीडरशिप, नया नेतृत्व और नया भारत की तैयारी के लिए। अखिलेश के बारे में जब मैं देखता हूँ, उनकी शक्ति प्रदर्शन देखता हूँ और उनके अंदर जो अनुशासन देखता हूँ, तो मैं अखिलेश के और समाजवादी पार्टी के लिए खामोश, मैं अखिलेश हमारा छोटा भाई है, परिवार है हमारा, अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। और इस घड़ी में मैं इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने इज्जत अफजाई की, हौसला अफजाई की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। आप तमाम लोगों का, मैं अपनी पत्नी को भी यकीन दिलाता हूं कि बिल्कुल सही दिशा में है, नई दिशा में है, पूरे आत्मविश्वास के साथ है, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन के साथ है, अवश्यम भावी विजयी होंगी, मुझे आज साफ दिखाई पड़ रहा है। और सही मानों में ये चुनाव प्रचार की सभा नहीं दिख रही है, बल्कि श्रीमती पूनम सिन्हा, अखिलेश यादव, मायावती जी का ये विजय समारोह मनाया हुआ जा रहा है, ऐसा दिख रहा है हमें। और आपसे बस एक आखिरी अपील, ये मौका चूकने न पाए, ये शत्रुघ्न सिन्हा जिंदाबाद से पहले, बिहारी बाबू जिंदाबाद से पहले, पहले आपका आबाद होना, यूपी का जिंदाबाद होना, बिहार का जिंदाबाद होना, देश का जिंदाबाद होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप तमाम लोग जिंदाबाद, तो आपका बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी जिंदाबाद। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अरे देखो, हमने तो अपनी दोस्ती निभाई, डंके की चोट पे आया था और आज भी डंके की चोट पे आए हूं दोस्त के लिए, समाजवादी और खासकर युवा शक्ति के लिए। बहुत जान है इस युवा शक्ति में, लोग आके देखें और सीखें यहाँ पे कि लखनऊ में तो जान है, वह लखनऊ के युवा शक्ति में बहुत ही जाने, और यही युवा शक्ति अगर एक गुट और एक जुट रहा तो यकीन मानिए परिवर्तन में कोई देरी नहीं होगी। जिस तरह से इन्होंने वायदे किए
स्मार्ट सिटी 100 लाएंगे, कहां है उससे ज्यादा 100 गुना स्मार्ट तो हमारे अपने युवा शक्ति है। हमारा लखनऊ सबसे स्मार्ट है, पर फिर भी इन्होंने रोजगार नहीं दिए, स्मार्ट सिटी नहीं दिए, कोई वायदे पूरे नहीं किए। और हमारे आर्मी को, देश की सेना के ऊपर जिस तरह के पॉलिटिसाइज किया आप सबने देखा है। अभी जवाब देने की घड़ी है और आप सब अगर एक गुट और एक जुट हो गए, आप ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, आप ठान ले तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। ढांक देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इस जब मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। आप कर सकते हैं, ये घड़ी चूकने ना पाए। इससे पहले मैं समय अपने वक्त की नजाकत को समझता हुआ अपने भाई युवा नेता यूथ आइकॉन को मैं निमंत्रण दूं यहां आने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं उनसे बहुत कुछ अभी इनसे जान रहा हूं। बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे बहुत अच्छा करते हैं अखिलेश यादव उसी तरह बहुत अच्छा बोलते हैं। वो पॉइंट्स मैं अपने सारे छोड़ रहा हूं, इनके डेवलपमेंट के पॉइंट्स, देश में क्या विजन है, उत्तर प्रदेश का क्या विजन है, मैं छोड़ रहा हूं ताकि वो बताएं। और हम सब राष्ट्रहित में, जनहित में, क्योंकि जब मैं आया हूं किसी झंडे तले नहीं, तो ये मानकर आया हूं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश हित में हम सबको साथ चलना है, देश हित में आइए हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, कदम मिलाकर अखिलेश यादव मायावती जी के साथ और हमारी पत्नी उनकी भाभी सब साथ रहें ताकि हम लोग सही दिशा और नई दिशा का सपना साकार कर सकें, नए भारत का सपना साकार कर सकें। और यकीनन नया प्रधानमंत्री, ये एक्सपायरी डेट हो चुकी है उनकी, 23 मई के बाद ये जो है वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी वो नहीं होंगे। और वो नहीं होंगे भले वो गाना गाते रहें कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। आप जाने दो उनको और नयों को आने दो, युवा शक्ति को आने दो। आज के दिन मेरी यही अपील है, यही संदेश है। आप तमाम लोग जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद। जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद।